शहर में अन्ना भाऊ साठे सभागृह में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और मातंग समाज के संयुक्त विद्यमान से लोकशाही अन्ना भाऊ साठे इनकी 101 जयंती शहर में मनाई गई। इस वक्त सभी समाज बांधव बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मनसे जिला अध्यक्ष अतुल वांदिले, अमोल बोरकर की उपस्थिति में अन्ना भाऊ साठे सभागृह में अन्ना भाऊ साठे की प्रतिमा को पुष्पमाला अर्पण करके दीप प्रज्वलित किया गया। मातंग समाज द्वारा मनसे जिला अध्यक्ष का बैंड बाजी के साथ स्वागत किया गया। इस वक्त मनसे जिला अध्यक्ष ने सभी शहर वासियों को जयंती की शुभकामनाएं दी और आने वाले 15 अगस्त को अन्ना भाऊ साठे जयंती के रहते बड़े पैमाने में अन्ना भाऊ साठे सभागृह के परिसर में वृक्षारोपण करने मानस दर्शाया। इस वक्त उपस्थितियों में राजू खड़से, सुशील घोड़े, प्रकाश भलमे, गोमाजी मोरे, अक्षय पोटपुड़े, अशोक खंडार, नितिन काय, अमोल मुंगले, संदीप ससानी, रवि बोरकर, विनोद भूते, अनिल पोटफोड़े, पवन खंडार, प्रभाकर खंडार और समाज बांधव उपस्थित थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून अन्ना भाऊ साठे या सभागृहामध्ये आम्ही माल्य अर्पण टाकून आणि त्यांचे पूजन करून जयंती साजरी करण्यात आली। कोरोना असल्यामुळे या सर्व गोष्टी लक्षात घेता आम्ही मोठ्या एक शोभायात्रा न काढता एक सामाजिक उपक्रम राबवायचे या उद्देशाने मी मातंग समाजांना सोबत चर्चा केली आणि येणाऱ्या 15 ऑगस्ट या दिवशी अण्णाभाऊ साठे या जयंतीनिमित्ताने आम्ही वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम ठेवण्यात आलेला आहे। या वृक्षारोपणाच्या कार्यक्रमाला, सामाजिक उपक्रमाला शहरातले सर्व शहरवासी व तसेच मातंग समाज यांनी जास्तीत जास्त उपस्थित राहून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी आणि अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीनिमित्ताने ही जयंती साजरी करावी असे विनंती। BCN न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट।